ये पुलिस वाले हैं, रीड में दी रहे हैं। हेलो, हेलो सर। मैम आपका नाम? शिवा शुक्ला। शिवाजी सर आपका नाम? अजय कुमार यादव। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे सर, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। अजय कुमार यादव। अजय कुमार जी ये बताइए कि सर आप खुद कानून के रक्षक होकर के सीट बेल्ट नहीं लगाए सर? जी। अच्छा मैम आप बता दीजिए, मैम आप भी आगे बैठी हैं, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए मैम? भूल गया होगा लगाना। मैम आप भी तो है, आपको भी तो लगानी पड़ेगी। ड्राइविंग सीट पे जो भी बैठते हैं दो लोग, उन दोनों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए ना। नहीं हमारे में तो शायद नहीं। ये सीट बेल्ट होती है, ये सीट बेल्ट है। अच्छा अच्छा मैम नहीं पता था क्या आपको सीट बेल्ट कहाँ होती है? पता है। अच्छा कोई बात नहीं मैम, आप भूल गई होंगी। खैर हम आपको बता दें कि पेट्रोल तो मिलता नहीं होगा बिना बेल्ट के। ऐसा तो नहीं है। मिलता है पेट्रोल मैम? हाँ जी मिल जाता है। अच्छा मैम खुद बता रही है कि पेट्रोल मिलता है सीट बेल्ट के बिना, वरना अभी तो एसएसपी साहब ने ये आदेश दिया है कि जो लोग भी बिना बेल्ट के और जो बिना हेलमेट के हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, या फिर जो भी यातायात का नियम लागू मतलब उल्लंघन कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा ना सर। मैम चलिए कोई बात नहीं, अब आप जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, मैम आपने हेलमेट? मुझे दिखता नहीं है साइड से इफ आई वेयर द हेलमेट। मेरा दो बार एक्सीडेंट हो चुका है हेलमेट पहनने से। सॉरी, हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ मुझे नहीं दिखता साइड से, प्रॉब्लम नहीं कहानी ना। हेलमेट तो आपके लिए बनता है ना, आपके सर की रक्षा करने। हाँ मुझे नहीं दिखता साइड से। तो आप हेलमेट लगाएंगे भी नहीं? ऐसा नहीं है, पर व्हेन इट्स रिक्वायर्ड आई वेयर इट, बट देन अभी आई कांट सी। आपने लीड भी लगाई थी मैम? लगाए हैं हाँ, सॉन्ग है। अच्छा ये लीड भी लगा चल रही कान में, ये भी है मैम। अच्छा हम आपको बता दें सर, हम आपको बता दें मैम कि जितने भी यातायात नियम है उनको उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी, ये एसएसपी जी की आदेश है और उसका उल्लंघन कर रहे हैं लोग सारे आम, अभी कर रही है मैम। सॉरी इट वाज नॉट अवेयर, आई विल नॉट डू इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। अगली बार से आप ध्यान रखेंगे इस बात का? हां जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आप अगली बार से हेलमेट जरूर लगाइएगा। थैंक यू सर। से बात कर लेते हैं। हेलो सर आपका नाम? फरहान उस्मानी। फरहान जी ये बताइए आप खुद तो जा रहे हैं, आप तो खुद तो बिना हेलमेट के निकले हैं, साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर के आ गए। मैं ऐसा है मेरी अभी हेलमेट का बुक टूट गया है, मैं बच्चे को लामाटीनियर ग्राउंड पे सिर्फ खेल लेने गया था, मैं ये जस्ट मालेवनू में रहता हूँ, इसलिए ये मेरी मिस्टेक है और मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल एक एडवोकेट हूँ, गवर्नमेंट एडवोकेट। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि ये मेरी मिस्टेक है, बस मैं थोड़ा सा वो हुक टूटने की वजह से मैंने कहा लामाटीनियर से रोजे अफ्तार का वक्त है इसलिए मैं जल्दी में जा रहा था। थैंक यू सो मच सर। सबसे अच्छी बात कि आपने अपनी गलती मानी। दैट इज माय मिस्टेक। अपनी गलती नहीं मानी। मेरा चोट लगेगी मुझे लगेगी और हमारे इंजरी आएगी, दैट इज माय मिस्टेक। अगर हम नहीं करेंगे तो और लोग कैसे करेंगे इस चीज को? अगर आपकी ये पहली गलती है तो हम बहुत बहुत कहते हैं आपसे कि अगली बार ऐसी गलती ना हो ये सोचेंगे हम, और सबसे कहेंगे सब लोग हेलमेट लगा के चले। अच्छी बात, थैंक यू। और यातायात नियमों का पालन भी करें, करना चाहिए क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो फिर सर का नाम जाने थे सर, आपका नाम? मेरा नरेश प्रसाद सोनी जी। नरेश जी, नरेश जी ये पहली बात तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनको जागरूक होना चाहिए और गलती नहीं करनी चाहिए। सर एक बात बताइए कि जो लागू हुआ है नियम की जो लोग हेलमेट लगाएं बेल्ट लगाएं उन लोगों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है, तो क्या ये आपको दिख रहा है कि सच में दिया जा रहा है? देखिए हम तो इस चौराहे पर हैं, यहाँ पेट्रोल टंकी नहीं है, यहाँ मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मतलब लगाए गए इस काम के लिए कि जो पेट्रोल लेते समय अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हेलमेट नहीं लगा रहे तो उनको पेट्रोल ना दिया जाए, तो कुछ लोगों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। करीब 70% लोग ऐसे थे जिनको बिना हेलमेट और बिना बेल्ट के पेट्रोल दिया जा रहा। तो पेट्रोल पंप वाली कमी है ना, तो उनकी भी तो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उनसे कह रहे हैं तो उन्होंने हमसे ये कहा कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, दिखा दीजिए कोई पुलिस वाला है, बताइए हम क्या बोले। अब उनकी भी तो कमी है ना, उनको अपना बिजनेस दिख रहा है कि अगर हम नहीं देंगे तो मेरा लॉस होगा, तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी तो अपना कर्तव्य समझें, केवल हर काम पुलिस वाले थोड़ी करेंगे। बिल्कुल सही, योगी जी और पुलिस वाले आकर के एक एक इंसान को हेलमेट नहीं पकड़ा पाएंगे, उनके बहुत सारे काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी गलती ना करें और खुद की सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए हम खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। चलिए मेरे साथ कटिंग चाय के साथ ऐसे ही बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं लोगों को कि लखनऊ के नक्शेबाज किस किस तरीके से करते हैं नक्शेबाजी और गलती पर दिखाते हैं ऐठन। देख लीजिए किस तरीके से लोग उड़ा रहे हैं मजाक यातायात के नियमों का। ये देखिए ये भी सर भी नहीं लगाए हेलमेट। सर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो नहीं लगाए। सर हेलमेट क्यों नहीं लगाए बताइए सर। और सर सबसे बड़ी बात की सर आप तो हेलमेट नहीं लगाए हैं सर, आपके साथ में एक नन्ही सी जान भी है सर,
अगर आपको कुछ नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा होगा, आप अगर गलती करेंगे सर तो क्या होगा उनकी जान? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आज के लिए जरूर। सर एक बात बताइए, आपको इतनी बढ़िया बाइक लिए हुए हैं, ये याद था कि इतनी बढ़िया बाइक लाए हैं, खूब बढ़िया चलानी है रास्ते में, लेकिन हेलमेट नहीं लाए, क्यों भूल गए? बोल तो रहा हूँ सॉरी, आज मिस्टेक हो गई है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल सर, बोल दीजिए आज के बाद, आज के बाद ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।